अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है. सबसे पहले तो क्वेश्चन भी लेंदी है और फिर उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा बड़ा है. देखो मैंने बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है. इनिशियली दोनों कैपेसिटर अनचार्ज्ड हैं, ठीक है. टी इज इक्वल टू जीरो पर हमने एस वन को क्लोज किया, पूरी तरह इनको चार्ज होने दिया. फिर जब ये पूरी तरह से चार्ज हो गए तो एस टू को भी क्लोज कर दिया, फिर से पूरी तरह से चार्ज होने दिया. तो हमको बताना है जो हमने एस टू को क्लोज किया तो एस टू से कितना चार्ज फ्लो हुआ, इधर से इधर हुआ कि इधर से इधर हुआ, और एस टू को क्लोज करने के बाद कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, ये हमको सॉल्व करना है. तो करते हैं. तो सबसे पहले मैंने इसको क्लोज किया, टी इज इक्वल टू जीरो पर. इसको क्लोज करने के बहुत बहुत देर बाद टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, ठीक है, क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ. फिर से इसको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा हम पेशेंस रखें, टाइम लगेगा ड्रॉ करने में. तो ये दो बैटरी इस तरह से, ठीक है, ये क्लोज हो चुका है, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ठीक है. बीच का स्विच अभी ओपन है, ये वाला स्विच ओपन है, ठीक है. 6 वोल्ट और 4 वोल्ट, 2 फेरेड, है ना, ये पूरे तरह से चार्ज हो गए. ये पूरे तरह से जब चार्ज हो गए तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, पूरे तरह से चार्ज होने पर क्या हुआ इनका, ठीक है. तो इस जगह पर, यहाँ पर Q चार्ज आ जाएगा, यहाँ माइनस Q चार्ज आ जाएगा, Q और माइनस Q. लूप की इक्वेशन मैं लिखूँ, यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ, तो प्लस 4 प्लस 6 माइनस क्यू बाय 2 माइनस क्यू बाय 2 इज इक्वल टू 0. सॉल्व करने पर मुझे मिल जाएगा Q इज इक्वल टू 10. आगे समझ में, ठीक है. तो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई 10, इसकी वैल्यू मिल गई 10, आया समझ में, ये मुझे मिल गया. सॉरी, ये जो स्विच है S2, अब मैंने क्या किया, इसको भी क्लोज कर दिया. तो इसको क्लोज किया मैंने T इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस पर, है ना. देखो ऐसे इन्फिनिटी प्लस कोई सही तरीका नहीं है लिखने का. इन्फिनिटी प्लस से मतलब है जब इसकी स्टेडी स्टेट, हमारा आपका और मेरा नोटेशन मान के चलें, एग्जाम में तो हमें पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अगर सब्जेक्टिव होता है तो इन्फिनिटी पर स्टेडी स्टेट आ गई, उसके बाद क्लोज किया, तो इन्फिनिटी के जस्ट बाद हमने क्या मान लिया, इन्फिनिटी प्लस मान लिया, उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है ना. ऐसे लिखते नहीं है लेकिन अपने समझने के लिए हमने कन्वेंशन बना लिया. अब ये जो बैटरी है, ये दो बैटरी, ठीक है, इस तरह से, और ये दोनों कैपेसिटर भी, ठीक है, इसको हमने ऑन कर दिया, ठीक है. ये कितना है, 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये तो ऐसे ही रहेंगे, थोड़े बदल जाएंगे, ये 2 फेरेड, ये 2 फेरेड, है ना. अब थोड़ा सा मुझे आगे का रब करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ हमें डायग्राम बनाने पड़ेंगे. तो इसको रब कर देते हैं जो पहले वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और फिर इसको पूरा सॉल्व कर दो. तो अब यहाँ पर ये तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस, अब इसके बहुत देर बाद हमें जानना है कि क्या हुआ. तो इसके बहुत देर बाद को क्या कहेंगे, इसके बहुत देर बाद को कह देते हैं टी इज इक्वल टू 2 इन्फिनिटी, है ना. तो टी इज लॉन्ग टाइम के भी लॉन्ग टाइम बाद, ऐसा, ठीक है ना. देखो बार बार सर्किट बनाने पड़ेंगे, उससे घबराएं नहीं, उससे बचने की कोशिश ना करें, वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है, है ना. ऐसा हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 फेरेड और 2 फेरेड. अब ये टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी का चार्ज मेरे पास रखा हुआ है 10 और 10. अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि टी इज इक्वल टू 2 इन्फिनिटी पर चार्ज कितना होगा. तो टी इज इक्वल टू 2 इन्फिनिटी पर चार्ज बहुत आसान है, इन्फिनिटी का मुश्किल था, 2 इन्फिनिटी का बड़ा आसान है. इसके अक्रॉस 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 12 माइनस 12.
इसके अक्रॉस 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 8 और यहां हो जाएगा माइनस 8। अब देखो ध्यान से, पहले की अगर बात करें तो यहां पर जो चार्ज था इस वॉयलेट बॉक्स के अंदर, जीरो चार्ज था। अब इस वॉयलेट बॉक्स के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस 8 माइनस 12, माइनस 4 चार्ज है। अब इन दोनों प्लेट पर चार्ज आने या जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, S2, ये S2। तो या तो इससे चार्ज आया होगा या गया होगा। 0 से माइनस 4 हो गया मतलब इधर चार्ज गया होगा 4 कूलम्ब, आया समझ में। अब ये 4 कूलम्ब इधर से गया। अब मैं ये कहूं यहां पर कितना था भाई, यहां माइनस 10 था, माइनस 10 और यहां प्लस 10, तो माइनस 10 से माइनस 8 हो गया, माइनस 10 से माइनस 8 हुआ मतलब यहां से 2 कूलम्ब आया भी होगा। 10 से 12 हो गया, इधर से भी 2 कूलम्ब आया होगा। एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, कौन सा पार्ट सॉल्व कर दिया, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू S2, आया समझ में। अब बचा है हीट प्रोड्यूस्ड। अब हीट प्रोड्यूस्ड कैसे सॉल्व करें, सुनो ध्यान से। हीट प्रोड्यूस्ड के लिए सबसे पहले हमको यहां पर लिखना पड़ेगा हीट कितनी कितनी प्रोड्यूस होने के लिए, एनर्जी का इनिशियल एनर्जी है ना, कौन कौन हिसाब लगाना एनर्जी का, पहले किस किस फॉर्म में एनर्जी थी और बाद में किस किस फॉर्म में एनर्जी रही। तो मान लेते हैं कि इसकी एनर्जी इनिशियली थी E1, इसकी एनर्जी इनिशियली थी E2, इसके पास था Q²/2C मतलब 10²/2×2, ये इसकी एनर्जी U1, ठीक है। इसकी एनर्जी U2 10²/2×2, आया समझ में। कितना है ये 25, ये भी कितना है 25, आया समझ में। ये इनिशियल एनर्जी थी S2 क्लोज करने से जस्ट पहले। S2 क्लोज करने के बहुत बहुत देर के बाद क्या हुआ, S2 क्लोज करने के बहुत बहुत देर के बाद इसने क्या किया है, देखो समझें, इसने ऐसे 2 कूलम्ब चार्ज भेजा है तो इसने एनर्जी सप्लाई की है, तो इसने एनर्जी सप्लाई की है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी कम, पहले थी इसकी E1, इसने सप्लाई कर दी, कितनी सप्लाई की, 2 कूलम्ब चार्ज सप्लाई किया है 6 वोल्ट पर, तो 12 जूल एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की है, तो 12 डिक्रीज हो जाएगी। इसकी थी E2, इसमें आया है चार्ज, ये तो इधर से 2 चला गया, इधर से आया 2, इसके पॉजिटिव टर्मिनल में 2 चार्ज आया, ये बैटरी चार्ज हुई है, चार्ज हुई है तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 4×2 = 8, आगे समझ में। Q²/2C इसकी U1- कितनी हो जाएगी, 12²/2×2 36 हो जाएगी, 144/4। U2- 8²/2×2 कितना हो जाएगा, 16, आया समझ में। अब ये फाइनल एनर्जीज लिखी हुई हैं ब्लू कलर में, इनिशियल एनर्जीज लिखी हुई हैं, हम उनको सर्कल्ड कर देते हैं, जो जो हमारे काम का है, ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है, थोड़ा दूसरे कलर से करते हैं जिससे हमें अच्छे से दिखाई दें, ठीक है। ऑरेंज ये वाला, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तो इनिशियल हो गए, ठीक है। फिर ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये फाइनल हो गए, और प्लस इसमें हीट। अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ, इनिशियल एनर्जी है मेरे पास E1+E2 बैटरीज की एनर्जी, ठीक है, प्लस 25 कैपेसिटर की एनर्जी, प्लस 25 दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी, फाइनल कितनी है, E1-12, E2+8, प्लस 36 प्लस 16
प्लस हीट आ जाएगा। अब यहां पर अगर देखें तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमको आंसर मिल जाएगा E1 से E1 कैंसिल हो गया, E2 से E2 कैंसिल हो गया, यहां से मुझे मिलेगा हीट 25 + 25 + 12 - 8 - 36 - 16 कितना आया 50 62 माइनस 36 16 और 8 ठीक है ना 20 और 16 तो -60 तो ये कितना आ गया 2 तो हीट डेवलप्ड आ गया 2 आयसन में ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कुछ उसी तरह का है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस तरह से एक बैटरी से 2 कैपेसिटर कनेक्ट किए हुए हैं, ये फुली चार्ज्ड हो चुके हैं ठीक है। अब हमने स्विच S क्लोज किया, तो हमको बताना है कि इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो होगा, इधर से इधर जाएगा, इधर जाएगा, क्या होगा। तो सबसे पहले तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा यहाँ पर ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करें, जो सिचुएशन हमको दी हुई है उस सिचुएशन में हम चार्ज कैलकुलेट कर लें इन दोनों पर कितना कितना होगा। तो मान लो कि इस पर चार्ज है क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू, फिर से दोनों मिलाकर के जीरो होने चाहिए ठीक है। अब मैं ऐसी इक्वेशन लिखूं, ये लूप की इक्वेशन लिखूं इस तरह, तो लूप की जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो प्लस 10 माइनस क्यू बाई 2 माइनस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 0। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है जिसका आंसर आ गया q इज इक्वल टू 10, मतलब 10 माइनस 10 10 माइनस 10 ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, स्विच क्लोज कर दिया ठीक है भाई, कर दिया तो कर दिया, आप क्या कर सकते हैं। तो स्विच क्लोज करने पर ये वापस से रिचार्ज होंगे ठीक है ना, अलग अलग पैटर्न में चार्ज होंगे ठीक है। इस तरह से एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर ठीक है, ऐसा यहां पर है रेजिस्टर्स ऐसे, ये कनेक्ट कर दिया हमने। कितने ओम का है भाई, ये 2 ओम और ये 3 ओम, ये 10 वोल्ट। तो अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए ये तो कैसे बिहेव कर रहे होंगे, ओपन सर्किट के जैसे, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा, इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं आएगा क्योंकि ये फुली चार्ज्ड है ना, स्विच क्लोज करने के बाद फुली चार्ज्ड हो चुके हैं, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा। जब करंट नहीं होगा तो सारा करंट, जो भी करंट यहाँ से आई जा रहा है वो तो सारा करंट आई इसमें जाएगा, वही करंट आई इसमें जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस लूप की मैं इक्वेशन लिखूँगा तो मुझे मिलेगा 10 - 2i - 3i = 0 और यहाँ से आ जाएगा i = 2 आ गया, तो इसके अक्रॉस v = 4 और इसके अक्रॉस v = 6। ये दोनों कितने कितने फेरेड के हैं, 2 फेरेड। देखो वैसे फेरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, हमने तो बस कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसलिए हमने माइक्रो फेरेड पिको फेरेड में नहीं लिए, नहीं तो हर जगह वैल्यूज जो है 10⁻⁶ इस तरह की आती रहती। इसका जो चार्ज हो जाएगा +8 - 8, 4 वोल्ट पोटेंशियल, तो इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट पोटेंशियल, तो 4 × 2 6 वोल्ट पोटेंशियल, इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट पोटेंशियल, तो +12 सॉरी -12 ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, कहाँ जाएंगे आगे बढ़ करके, खांसी बड़ी हो रही है मुझे। अब यहां पर इन दोनों का चार्ज मिला करके कितना है 0, और यहां इन दोनों का चार्ज मिला करके हो गया +4।
तो जीरो से प्लस फोर हो गया, आने का रास्ता तो एक ही है, ये। तो इस रास्ते से ही चार्ज आया होगा, कितना आया होगा, फोर आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये जीरो से फोर हो गया। और डायरेक्शन पूछा जाए तो फोर कूलम्ब चार्ज ऐसे फ्लो किया है स्विच के थ्रू, आया समझ में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हीट प्रोड्यूस की बात नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि हीट प्रोड्यूस इसमें इनफाइनिट होगा, अभी भी चार्ज करंट तो फ्लो हो ही रहा है, तो इसमें करंट है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हीट तो कंटिन्यूसली इसमें प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए यहाँ पर हीट प्रोड्यूस्ड नहीं पूछा गया, पूछेंगे तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको।